दोस्तों फेसबुक के अंदर ऐसे हजारों क्रिएटर हैं जिन्होंने अपने फेसबुक पे आउट अकाउंट बनाते समय कुछ कॉमन सी गलतियां कर ली हैं और उन गलतियों का खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं। यानी कि अगर आपने भी अपने फेसबुक पे आउट अकाउंट में किसी भी तरीके की गलती कर ली है, जैसे कि आपका बिजनेस टाइप सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि उसको इंडिविजुअल नहीं आप कर पा रहे हो, या फिर आपने बैंक डिटेल गलत फिल कर दी है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपने अपने फेसबुक पे आउट अकाउंट के अंदर अगर कर रखी है, तो आपको फेसबुक की तरफ से एक भी रुपया नहीं मिलने वाला अगर आपने अपने पे आउट अकाउंट का सुधार नहीं किया है। तो अगर आपके भी पे आउट अकाउंट में किसी भी तरीके की कोई भी मिसमिस्टेक है, तो आप किस तरीके से उसे एडिट करोगे, किस तरीके से उसे सही करोगे, आज की वीडियो में आपको प्रॉपर सिखाने वाला हूं। वीडियो आपको लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना है। अगर वीडियो में सब कुछ समझ आ जाए और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर फेसबुक रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करता हूं। तो पे आउट अकाउंट का जो हमारी एडिटिंग है, यानी कि पे आउट अकाउंट अगर हमने गलत बना लिया, उसे हम किस तरीके से सुधारेंगे, अगर हमारी उसमें कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारने के लिए मुझे आपको समझाने के लिए लेके चलना होगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब दोस्तों फेसबुक के पे आउट अकाउंट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम के अंदर चलना, और गूगल क्रोम के अंदर चलने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में फेसबुक मीटा बिजनेस सूट करके यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पर इसे ऑलरेडी सर्च कर रखा है, सिंपली मैं इसको टैप कर दूंगा। यहाँ पर जैसे मैं इसको टैप करूँगा तो इस तरीके से मेरे पास एक नया विंडो ओपन होता है। अब इस विंडो के ओपन होने के बाद में आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करते जाना है, और नीचे स्क्रॉल करते जाना है यहाँ पर आपको बिजनेस सूट की एप्लीकेशन नज़र आएगी, बट इसके नीचे आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट नज़र आएगी। सिंपली आपको मीटा बिजनेस सूट पर यहाँ पर टैप कर देना। अब यहाँ पर आप जैसे ही टैप करोगे तो आपको इस तरीके से एक नया विंडो दिखाई देगा। अब इस विंडो के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, बट आपको इस वाले ऑप्शन को ट्राई इट आउट पे यहाँ पर आपको टैप करना है। अब जैसे आप यहां पर टैप करोगे तो आपको फेसबुक के बिजनेस सूट वाले ऑफिशियली पेज पर ले जाएगा। अब इस बिजनेस सूट वाले पेज को आपको सिंपली फिर से आपको ऊपर साइड में जाना है, इसको यहां पर भी डेस्कटॉप साइज कर लेना अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हैं तब। अब यहां पर डेस्कटॉप साइज करने के बाद में आपको सिंपली उसके पे आउट वाले सेक्शन के अंदर जाना है। अब यहाँ पर पे आउट वाला सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको इस साइड में यहाँ पर 3, 4, 5 तरह के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे लास्ट में यहाँ पर ऑल टूल्स का एक ऑप्शन है, सिंपली आपको ऑल टूल्स पर क्लिक करना। अब ऑल टूल्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस साइड में जो है इसके पूरे जितने भी इसके सेटिंग है वो टोटल यहाँ पर आपको दिखाई देगी, बहुत सारी यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इनमें आपको यहाँ पर देख लेना कि आपका पे आउट का किधर साइड में है। तो इस साइड देखें तो आपको यहाँ पर एक पे आउट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले पे आउट वाले ऑप्शन में यहाँ पर मैं टैप कर देता हूँ इस पर, तो ये मेरा पे आउट है, सिंपली मैं इसको टैप करूँगा। अब जैसे मैं इसको टैप करूँगा तो यहाँ पर एक नया पेज मुझे यहाँ पर दिखाई देगा पे आउट वाला। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मेरा एक पेज है पे आउट, ठीक है। अब पे आउट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यू आर विल बी अर्निंग पे आउट एंड फॉर द तौसीफ रजा, यानी कि जो भी आपके फिर जो पेज से जो भी अर्निंग आपकी होगी वो इस पे आउट के अंदर दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन इसका फिल नहीं किया। अब इस पे आउट में अगर मेरी कोई मिस्टेक मुझसे हुई है तो मैं इसकी मिस्टेक को कैसे सही करूँगा, तो सही करने के लिए सिंपली आपको ऊपर साइड में यहाँ पर 4-5 आइकन दिखाई दे रहे होंगे। सिंपली इसको जूम करता हूँ आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन है, सिंपली आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना। अब जैसे ही आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर देखो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जो फेसबुक पे आउट अकाउंट की पूरी डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो भी इसमें चेंजिंग करनी है, जैसे कि आपका इंडिविजुअल कंट्रीज गलत कंट्री हो गई है, या फिर आपका अकाउंट गलत हो गया है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, या फिर आपका जो भी हो गया है वो आप यहाँ पर आसानी से चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए आपको सिंपली इसको जूम करना है, और जूम करने के बाद में जो भी चीज़ अपडेट करनी है आपको सिंपली यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे टैक्स इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो मैंने इस अकाउंट की पे आउट अकाउंट की टैक्स इन्फॉर्मेशन अभी फिल नहीं की है। आपने भी अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल नहीं किया अपने पे आउट अकाउंट का तो इस वीडियोस को जाकर देखिए आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फिल करते हैं। मैंने यहाँ पर इस वीडियोस के अंदर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि फेसबुक में पे आउट अकाउंट का टैक्स इन्फॉर्मेशन हम किस तरीके से फिल करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मेरी कोई मिस्टेक है, जैसे कि मेरा यहाँ पर ये दिख रहा है, तो यहाँ पर मेरी ये कंट्री है, अगर मेरी मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये कंट्री मेरी गलत हो गई तो इसे अपडेट करना है, इसे मगर मतलब इसको सही करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखनी है, प्लीज़ रिफ्रेश द पेज अटैचमेंट, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप चेंज करोगे उसमें थोड़ा सा
टाइम लग सकता है अगर आपका फेसबुक के अंदर अकाउंट यानी कि बैलेंस फंसा पड़ा है, पैसा फंसा पड़ा है, तब आप इसको अपडेट ना करें, उससे पहले ही आप उसको अपडेट करें। सिंपली आप यहां से जैसे अपडेट करके जो भी इसमें चेंजिंग करना चाहोगे अपने पे आउट अकाउंट के अंदर, वो सारी चेंजिंग आप इस पे आउट अकाउंट के अंदर कर सकते हो। तो ये पे आउट अकाउंट है फेसबुक का, यहाँ पर ध्यान रहे कि फेसबुक का पे आउट अकाउंट परमानेंटली के लिए एक बार सही तरीके से बनाएं और सही तरीके से कोई भी मिस्टेक उसके अंदर ना करनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक पे आउट अकाउंट के अंदर कोई मिस्टेक अगर आपने कर ली तो हो सकता है कि आपको पे आउट में दिक्कतें का सामना करना पड़े। तो दोस्तों आप इस तरीके से फेसबुक पे आउट अकाउंट की अगर आपने गलती कोई कर रखी है तो उसे आप एडिट कर सकते हो। एडिट करने के 3 से 4 दिन के बाद आपका पे आउट अकाउंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी जो भी समस्या है यानी कि पे आउट अकाउंट को लेकर जो भी प्रॉब्लम है यानी कि अर्निंग स्ट्रेटजी हो गई हो या फिर आपका कोई बैलेंस यानी कि जो पैसा है वो नहीं आया हो, तो आप इन सारी चीजों से जो मैंने तरीका आपको समझाया इससे अपने पे आउट अकाउंट में जो सही तरीका है, जो बैंक अकाउंट डिटेल है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसे आप सही कर सकते हो। अगर वीडियो में सब कुछ समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक रिलेटेड कुछ ना कुछ टिप्स हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करते हैं। फिलहाल चलता हूँ, एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।